नन्हे बच्चे पूरी फैमिली की तवज्जो का मरकज होते हैं। उनकी हर हरकत, उनका हंसना, रोना, बोलना, चलना, एक एक चीज माँ बाप नोट करते हैं और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। अगर बच्चा लेट बोले या लेट चले या दांत बहुत देर से निकाले तो वालदैन परेशान हो जाते हैं। वालदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने सारे माइलस्टोन्स अपने टाइम पर पूरे करे, लेकिन कभी बच्चा इनमें से किसी काम में थोड़ा पीछे रह जाता है। मसलन कुछ बच्चे काफ़ी लेट चलते हैं, 2 साल का होने के बावजूद चलते नहीं, तो ये वाकई परेशानी की बात होती है। आज की वीडियो में बच्चों के लेट चलने की कुछ वजूहात, कुछ टिप्स और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसन शेयर करूंगी जो आपके बच्चे का ये मसला ठीक कर देंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपका बच्चा बहुत हेल्दी है तो ज़्यादा वजन होने की वजह से वो जल्दी नहीं चल पाएगा क्योंकि उसकी टांगें उसका वजन नहीं उठा पाएंगी। अगर बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हों, नरम हों, तो भी बच्चा जल्दी नहीं चलता। नरम हड्डियाँ होने की बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। अगर बच्चे के मसल्स वीक हों, बच्चा बहुत कमज़ोर हो, तो भी बच्चा लेट चलता है। आमतौर पर बच्चे 11 से 16 माह के दरमियान में चलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे 9 माह या 10 माह की उम्र से ही चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे 18 माह की उम्र में चलते हैं। ये सब नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा लेट वॉकर है तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ टिप्स पर अमल करने से आपके बच्चे को चलने में बहुत मदद मिलेगी। शुरू से ही बच्चे को रोज़ाना नीम गर्म जैतून के तेल की मालिश करें। अगर जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल ले लें। बच्चे की टांगों की अच्छी तरह मालिश करें, आधा घंटे बाद उसे नहलाएं। अगर सर्दियां हैं और धूप भी है तो मालिश के बाद बेबी को आधा घंटा धूप में रहने दें। धूप में रोज़ाना रहने से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा जब 8 माह का हो जाए तो उसे बादाम का पेस्ट या पाउडर बनाकर किसी भी खाने पीने वाली चीज़ में मिलाकर 1 टीस्पून रोज़ाना ज़रूर खिलाया करें, दिन में एक बार। बादाम में बहुत ज़्यादा गज़ाइत होती है। ये बच्चे के हाजमे को मजबूत करते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं और हड्डियाँ और दांत मजबूत करते हैं। रोज़ाना बादाम खाने वाले बच्चे जल्दी चलते और जल्दी बोलते हैं। बच्चे को बैलेंस और हेल्दी डाइट दें। एक ही चीज़ बार बार खिलाते रहने से बच्चे की नशोनुमा स्लो हो जाती है और बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है और देर से चलता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी कमज़ोर है तो मेरी वीडियो बच्चों की जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज ऊपर कार्ड में देखकर आप फ़ायदा उठा सकती हैं। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो आपके बच्चे का ये मसला हल करेंगी। मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज के लिए बनाई है। अगर आप किसी मसले का शिकार हैं तो अपना इलाज खुद से ना करें और किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स पर काम करती हैं। हो सकता है कि बताई गई इलामत आप में ना मिलें तो मेडिसिन असर नहीं करेगी, इसलिए डॉक्टर से मिलकर अपनी सिम्टम उतारकर मेडिसिन लें। पहली मेडिसिन कास्टिकम 200 है। ये मसल्स को मजबूत करती है। अगर बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ना चले या चलने की कोशिश में बार बार लड़खड़ाए और ठोकरें खाकर गिरे तो कास्टिकम बहुत काम आती है। कास्टिकम 200 के 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर 1 हफ्ते के वक्फे से बच्चे को पिलाएं, यानी जुम्मे को बच्चे को दवा खिलाएंगे तो अगले जुम्मे को दूसरी डोज दें। टोटल 4 खुराकें खिलाएं 1-1 हफ्ते के वक्फे से। अगर आपका बच्चा मोटा, सेहतमंद, पिलपले जिस्म का है और वो चलना नहीं सीख रहा तो कैल्केरिया कार 30 के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार बच्चे को पिलाएं और ये लगातार पिलाती रहें। 2 माह तक भी एक मेडिसिन पिलाएं। ये मेडिसिन बच्चे में कैल्शियम की कमी को दूर करेगी और बच्चे की टांगों की कमजोरी दूर करके बच्चे की हड्डियां मजबूत करेगी। अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर और दुबला पतला है तो कैल्केरिया फॉस 6x की 4 गोलियां दिन में 3 बार बच्चे को 4 माह तक खिलाएं। ये भी हड्डियों की मजबूती की मेडिसिन है। अनिमिया दूर करती है, बच्चे को खयाबिया लगने लगेगा, यानी बच्चा सेहतमंद होगा और हाजमा भी बेहतर होगा। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से और पीछे बताई गई टिप्स पर अमल करने से आपका बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।